जी की गुंडागर्दी, खुद को ही समझते हैं राजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पिताश्री यानी कि धनाजी सरदार वो गुप्त सरकार की बात करते हैं और अब जाके पता चला है कि इस गुप्त सरकार का राजा कौन है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, गुनू जी सरदार। जी हाँ, सेनापति हैं मगर बाहर प्रजा में क्या कहते हैं कि मैं ही राजा हूँ। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अहिल्या जो आनंदी के घर गई, वहां पे जाके जो उसको बातें पता चली, वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी कि इनको पगार बंद कर दी या इनको नहीं मिल रहा रहने के लिए, बसर करने के लिए जो है चीजें नहीं मिल रही, आमदनी नहीं है, यहीं तक नहीं थी, उसके आगे भी थी। सुन के देख के दिल दहल जाता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आपकी जो भी लालच है वो आपकी गद्दी के लिए है और गद्दी के लिए आप लालच करो, आप करते रहते हो, उसके लिए षड्यंत्र करते रहते हो, आप करते रहो, मगर उसके बीच में इनोसेंट प्रजा को क्यों पीस रहे हो? एक ऐसे सैनिक के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हो? और तब और भी ज्यादा अन्याय हो जाता है जब उसकी पत्नी अपने बच्चों के लिए एक न्याय की भीख मांगती है, न्याय की बात करती है कि अब हम करेंगे तो करेंगे क्या, कहां से खाना खाएंगे, और मल्हार सरकार के राज में ऐसा होता नहीं है, हमें मिलने दीजिए। तो गुनू जी भड़क जाते हैं, बाप रे बाप क्या है उनका, क्योंकि वो बाहर अपने आप को राजा ही दिखाते हैं कि मैं राजा का जवाई हूं, तो मैं राजा से कम नहीं हूं, मैं राजा ही हूं और जो मेरा डिसीजन है वही फाइनल है, वही मल्हार सरकार का डिसीजन है। आप सोच के देखिए प्रजा को क्या सुनना पड़ता है इनकी वजह से। मल्हार सरकार का नाम कितना खराब कर रहे हैं प्रजा में ये लोग, अपने आप को राजा का नुमाइंदा बता के राजा के डिसीजन को ही अपना डिसीजन बता दिया, यही राजा का डिसीजन है। मल्हार सरकार तक बात पहुंचने ही नहीं दी और ऊपर से कयामत ये कि उनको धमकी भी दी कि अगर ये बात तुमने की तो फिर तुम देखना। धमकी, साफ साफ धमकी थी, तभी तो वो दोनों पति पत्नी ये कहते हुए नजर आया अहिल्या को कि किस तरह से हमें डराया गया है, अगर हम ये बोलेंगे तो हमारे सर से छत भी छीन लेंगे, ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि अगर ये चीजें हैं और मल्हार सरकार को इसकी बिल्कुल भनक नहीं है, क्योंकि ये होनी चाहिए। और अहिल्या इसीलिए परेशान है, अहिल्या की परेशानी हम समझ सकते हैं क्योंकि वो तो किसी की आंख में आंसू तक नहीं देख सकती है, एक आंसू नहीं देख पाएगी वो, और यहां पे तो समंदर है आंसुओं का, ना सिर्फ परिवार वाले बल्कि बच्चे तक पिस रहे हैं उसके अंदर, बच्चों की शिक्षा के दिन है, वो बच्चे घर पे भूख प्यास से बिलख रहे हैं। तो ये सब देख के अहिल्या कैसे चुप रह सकती है, आप ही समझिए। चाहे जो भी हो वो चुप नहीं रहेगी, और ये जो गुन्नू जी की गुंडागर्दी है, अपने आप को राजा समझने वाली बात है, वो पूरी की पूरी अहिल्या के मन में छप गई है और अब ये गुंडागर्दी होगी खत्म। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.